नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ सूरम। कुछ वक्त पहले ये अनाउंसमेंट हुई थी कि सुपरस्टार सलमान खान तकरीबन 20 साल बाद संजय लीला भंसाली के साथ काम करने जा रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी तब और ज्यादा बढ़ गई जब पता चला कि सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस फिल्म में सलमान खान के साथ नजर आने वाले हैं। अब एक और खबर आ रही है जिसके बाद आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ सकती है। एक नई मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि आलिया भट्ट भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं। मीडिया सोर्सेस से पता चला है कि आलिया भट्ट को इस फिल्म के लिए कॉन्टैक्ट किया गया है। हालांकि इस फिल्म के लिए अब तक आलिया भट्ट ने अपनी सहमति नहीं जताई है। आलिया भट्ट के करियर का ग्राफ इस वक्त लगातार ऊपर जा रहा है। उन्होंने अपने अब तक के करियर में तरह तरह के किरदार कर लिए हैं। उनकी फिल्म राजी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही थी। वहीं रणबीर सिंह के साथ आई फिल्म गली बॉय भी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही। अब वो जल्द ही फिल्म कलंक, ब्रह्मास्त्र और तख्त में काम करते हुए नजर आएंगी। उनके पास इस वक्त तक प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा क्या वो इस फिल्म के लिए डेट्स मैनेज कर पाती हैं या नहीं। आजकल आलिया इतने डिमांड में है कि उधर बाहुबली सीरीज फेम डायरेक्टर SS राजामौली भी अपनी अपकमिंग फिल्म RRR के लिए एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं। फिल्म में 3 एक्ट्रेस को कास्ट करना है। खबरें ये आई थी कि राजामौली आलिया भट्ट को कास्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आलिया को भारी भरकम फीस देने की भी बात कही थी। लेकिन अब चर्चा ये है कि आलिया एक के बाद एक फिल्म प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं। ये तो थी आलिया के वर्क फ्रेंड की बात, लेकिन आलिया की पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। सुनने में आया है कि आलिया भट्ट रणवीर के साथ जल्द ही शादी कर सकती हैं। बस इंतजार हो रहा है ऋषि कपूर का। ऋषि कपूर जैसे ही घर लौट कर आएंगे वैसे ही इनकी शादी की डेट फाइनल कर दी जाएगी। तो फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, गिव अस कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें।